नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। मोदी आजादी के बाद के सबसे बेहतर प्रधानमंत्री। देश में भाजपा नेत राजग सरकार के कामकाज को लोगों ने औसत से ऊपर माना है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का आंकड़ा इससे अधिक है। एक सर्वेक्षण के अनुसार 46% लोगों ने सरकार के कामकाज को अच्छा या बहुत अच्छा करार दिया, तो मोदी को बतौर प्रधानमंत्री अच्छा या बहुत अच्छा बताने वालों का आंकड़ा 54% रहा। सर्वे के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी देश में आजादी के बाद सबसे बेहतर प्रधानमंत्री है। उनके बाद इंदिरा गांधी और फिर अटल बिहारी वाजपेयी का नंबर है। सर्वेक्षण में कहा गया कि अगर मौजूदा समय में लोकसभा चुनाव कराए गए तो राजग को 301 सीटें मिल सकती है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में राजग को 339 सीटें मिली थी। इसके अनुसार मौजूदा स्थिति में भाजपा को 43%, कांग्रेस को 14% और आम आदमी पार्टी को 4% मत मिल सकते हैं। ट्रंप ने कहा, भारत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार बनने के शीर्ष दावेदार डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल होने के बाद पहली बार भारत पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा। ट्रंप ने ये बात एक साक्षात्कार में कही। चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करने के बाद ट्रंप ने पहली बार भारत के बारे में अपनी सोच की झलक पेश की है, जबकि वह अपने भाषणों में चीन, मैक्सिको और जापान जैसे कई देशों की खुलकर आलोचना कर चुके हैं। ट्रंप ने अमेरिका की स्थिति पर कहा कि इस देश की ओर देखिए, हम एक ऐसी बड़ी शक्ति थे जिसका सम्मान पूरा विश्व करता था, लेकिन अब हम कुछ हद तक हास्य का पात्र बन गए हैं। नाकेबंदी खत्म होने पर ही भारत आएंगे नेपाली पीएम। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने कहा है कि सीमा पर नाकेबंदी खत्म होने तक भारत की यात्रा करना उचित नहीं होगा। ओली ने आरोप लगाया कि भारत ने अनाधिकारिक सीमा नाकेबंदी कर दी और कहा कि वह इसे जल्द ही हटा लेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार तराई क्षेत्र में पैनी नजर रखे है। ओली अगले महीने की शुरुआत में नई दिल्ली का दौरा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर यह उनका पहला विदेशी दौरा होगा। इससे पहले यह भी अटकलें थी कि कम्युनिस्ट नेता भारत से पहले चीन का दौरा कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ महीने पहले ओली के साथ फोन पर बातचीत में उनको भारत की यात्रा पर आने के लिए आमंत्रित किया था।